और ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है जर्नलिस्ट 2024 में, जहां हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। पांचवा चरण जो कि सबसे छोटा लेकिन काफ़ी अहम सीटें लेकर यहां पर आया, हमारे साथ विशिष्ट मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। एक बार उनका रुख कर लेते हैं कि किस तरह से उनकी भी राय जानते हैं। यहां पर हमारे साथ अशोक टंडन साहब मौजूद है। अशोक टंडन जी, अगर इस चरण की बात की जाए तो सबसे छोटा चरण माना गया है, लेकिन सबसे अहम सीटें खासतौर पर जो क्षेत्र हम कह सकते हैं राजनीति के लिहाज से, हम महाराष्ट्र की यहाँ पर बात करते हैं, हम यहाँ बात करते हैं बिहार की, हम बात करते हैं उड़ीसा की, उस लिहाज से काफ़ी अहम और निर्णायक चरण। मुझे लगता है इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण अगर कहीं कोई सीट है तो वो जो चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है। देखिए, पिछले चरण में भी हमने देखा कि 38% से ज़्यादा मतदान हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और अच्छा मतदान हो रहा है। तो ये एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीति थी धारा 370 हटाने की, उस पर वहाँ की जनता मुहर लगाती हुई दिखाई दे रही। मुझे याद है पिछले कई चुनावों में ये जितने भी अलगाववादी संगठन होते थे ये बहिष्कार की एक कॉल दिया करते थे और लोग वोट नहीं डालने आते थे, दहशत का माहौल था। और ऐसे में 1977 के बाद अब जाकर इतना मत प्रतिशत जम्मू कश्मीर की जनता कर रही है, और ये चुनाव जम्मू कश्मीर की दृष्टि से पूरी दुनिया देख रही है। और विशेष तौर से तो हमारे पड़ोसी देश में इस बात का हैरानी है कि जम्मू कश्मीर की जनता शांतिपूर्वक मतदान कर रही है और इतनी बड़ी मात्रा में कर रही है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जितने भी दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो सब बढ़ चढ़ कर अपील कर रहे हैं जनता से कि आप इसमें भाग लीजिए। तो कौन जीतता है कौन हारता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, भारत के लोकतंत्र के लिए जम्मू कश्मीर में। और फिर नीति पर जो मोहर लग रही है धारा 370 हटाने की, हमें याद है जब धारा 370 हटाई गई थी तो क्या क्या बातें की गई थी, जम्मू कश्मीर जल जाएगा, जनता बाहर नहीं आएगी, जनता विरोध करेगी। आज वही जनता इसमें भाग ले रही है, मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी, काफी महत्वपूर्ण और सुखद तस्वीरें जो बारामूला से हम देख रहे थे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो कि लखनऊ से प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने अपना वोट वहां डाला। राजनाथ सिंह लखनऊ से भाजपा के प्रत्याशी हैं और उन्होंने मतदान केंद्र पर जाकर अपना जो वोट है वो डाला, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यहाँ से तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी होगी राजनाथ सिंह की, जहाँ से उनके खिलाफ रविदास मेहरोत्रा को सपा ने मैदान में उतारा है। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए रामकृपाल जी, क्योंकि काफ़ी दिलचस्प मुकाबला जो है वो कई अहम सीटें हैं, हम अब रायबरेली की बात करें, अमेठी की बात की जाए या लखनऊ की बात की जाए, ये खासतौर से अगर देखा जाए काफ़ी अहम सीटें हैं, किस तरह का जो समीकरण है वो यहाँ नज़र आएंगे? जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक लाइन केवल, जैसा अशोक जी ने कहा जम्मू कश्मीर के बारे में, देखिए अभी जो पिछला मतदान हुआ है वहाँ पर वो भी 36% था, और आज जिस तरह से लोग लाइन में हैं बिल्कुल सही है, वो इस बात की पुष्टि करता है कि 5 अगस्त 2019 को जो कदम उठाए थे सरकार ने, जनता ने उसका स्वागत किया। और अब जो जिस तरह से लोग वहाँ निकल करके आ रहे हैं, तब ये साबित हो रहा है इन लोगों के दिलों में लोकतंत्र के लिए ललक थी। ये चाहते थे वोट देना लेकिन बंदूक के साए में नहीं दे पा रहे थे। और बिल्कुल सही अशोक जी ने कहा कि पूरी दुनिया आज आश्चर्य से देख रही, वही जम्मू कश्मीर है जहाँ 9 से 10% वोट हुआ करता था बमुश्किल, आज वहाँ पे हाईएस्ट पोलिंग हो रही है। जी, अब मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में जिसको कहते हैं स्विंग स्टेट, 40 स्टेट को मैं मानता था स्विंग है, वो है बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। और जाहिर सी बात है जिसका अगर इंजन है तो उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश में मैं एक बात कहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 4 चुनाव हुए हैं, 14, 17, 19, 22। इन चारों चुनावों में एक बात कह रही है कि एक जो पिछड़ों का बहुत बड़ा तबका है जो डिसिसिव होता है, जिसके चलते चुनाव परिणाम बदलते हैं, वो 14 में भी बीजेपी के साथ था, 17 में भी साथ था, 19 में भी साथ था, 22 में भी साथ था। मुझे 22 और 24 के बीच में ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता है जी कि वो
वो क्यों बीजेपी को छोड़ के चला गया होगा। तो मेरा एक सिंपल कहना है, 2019 में मायावती और अखिलेश ने मिल करके एसपी और बीएसपी का जो सबसे कठिन कहते हैं वो सामाजिक समीकरण होता है मजबूत, उसको आजमा लिया और फिर भी बीजेपी को अपार सफलता मिली। तो मैं नहीं जानता हूं कि क्या होगा 4 जून को, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुझे इसका कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, न कोई ऐसा है कि 22 और 24 में कोई ऐसा रहा हो कि कोई बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन अगर कोई हुआ है तो बता दूं आपको, वो कोविड के बाद राशन मिलना शुरू हुआ है। 2019 के चुनाव में राशन नहीं था। तो अब देखिए, एक जिसको कहते हैं कुल मिलाकर के जनता खुश हुई है, लाभ मिला है उसको, बेहतर हुआ है। अब ये फैसला जनता जनार्दन का है कि वो क्या निर्णय करती है, लेकिन जी अपने विचार बताए। बिल्कुल, और अब हमने दर्शकों बताते हैं कि देश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। इस महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव में कई ऐसे मतदाता हैं